अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड वीडियो। दोस्तों अजीम भाई के साथ में इस वक्त हम लोग उनका ब्रीडिंग सेटअप देखने वाले हैं, सारी बकरियां देखेंगे। पहले वीडियो में सारे बकरे बच्चे दिखाए उन्होंने, जो भी कोई भाई इंटरेस्टेड हो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सो अजीम भाई, ये वीडियो में सारी बकरियाँ फ़ीमेल दिखाने वाले हैं आप। बड़ी बकरियाँ दिखाऊंगा जी। तो ये पहली बकरी से स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी यूनिक कानों में भाई, वाह कान का शेप ही इसका अलग है भाई, फुल यूनिक कान में माशाल्लाह। आप इसके कान का पूरा डायमीटर देखें माशाल्लाह, क्या है इसके कान, 18.5 है आसिम भाई और 8.25 चपलान है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है माशाल्लाह। ये अभी गाबन है खाली है। ये लोड है और अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्मेशन के चांसेस दिखा रही है। ये काजी से लोड है? नहीं, ये यूमने से लोड है अपने खान साहब। अच्छा, यूम से लोडेड है माशाल्लाह, बहुत उम्दा। और 6 जुलाई को लोड हुई है। 6 जुलाई को है ना? हाँ। तो अभी 1 महीना हो चुका है। तकरीबन डेढ़ महीना कम्प्लीट हो गया, क्योंकि ये महीना भी ख़त्म पे ही है। वाइट आइस के अंदर ये देने का है आपको भाई? हाँ, अगर अच्छा कोई शौकीन है इंशाल्लाह, शौक करना चाहता है तो हम इंशाल्लाह देंगे। ह्यूम से लोडेड है दोस्तों, कान की क्वालिटी इसकी खुद की देखो आप, फुल ऊपर से चौड़ेपन आ गया है। हाँ, कान की जो हैदराबादी की जो धुलाई और क्वालिटी मांगता है वो पूरी है। सही है। तो ये पहली बकरी देख ली अजीम भाई, और भी काफ़ी बकरियाँ हैं, तो एक एक करके दिखा दें आप। सेकेंड वाइट बकरी आ रही है आपके सामने। हाँ, ये भी कम गुलाबी नहीं है, बहुत अच्छी बकरी है माशाल्लाह। ये एक बकरी तो देख चुके हैं आप, सेकंड बकरी देखें आप, इसके कान उससे भी ज़्यादा लंबे हैं माशाल्लाह। देखो 20 इंच कान पर आसिम भाई, अनबिलीवेबल। बकरे भी तरसते हैं कान के लिए। 20 इंच कान है और चकला जो है 7 इंच है और माशाल्लाह गाजी से लोड है 2 महीने की, बहुत उम्दा। तो भाई ये बकरी कब लिए थे आपने? ये देखो तकरीबन लेकर अभी 3 चार महीना हुआ, बेंगलोर से लिया था मैं। बहुत उम्दा, 20 के कान है, 20 का। गाजी के कान कितने भाई? गाजी के 20+ है और 9 इंच चकलान है। 9 इंच चकलान है, तो काफ़ी अच्छी उम्मीद लग रही होगी इंशाल्लाह। बस बस, इसको तो एक्चुअली इसका रिजल्ट देखने की ख्वाहिश है, अगर कोई शौक के लिए अगर मांगता है तो इंशाल्लाह देखेंगे। सही है। पहले भी बच्चे दे चुकी है ना? नहीं, ये फर्स्ट टाइम लोड है। फर्स्ट टाइमर। चलिए इंशाल्लाह इसके भी रिजल्ट का वेट रहेगा, पर अगर कोई मांगता है तो इंशाल्लाह डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कान में बकरियां नहीं आती हैं। नहीं, 20 का कान तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। सो दोस्तों, गुलाबी के बाद में अभी नासी बकरी देखेंगे हम लोग। माशाल्लाह अच्छे खुले कान में आजिम भाई, वाह क्या साइज़ है, कितने कान होंगे इसके? इसके 18.8 हैं माशाल्लाह, और 5 पीस में है। सही है, चेहरा भी 5 पीस में है। सब जानवर आपके काफ़ी यूनिक ही होते हैं, वो ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता होगा ना? बस क्या अच्छा सिलेक्ट करके लेना पड़ता है, और मतलब ख़रीदना भी तो आसान नहीं होता होगा, मतलब मॉनिटरी वाइज भी इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बस बस, वाह। ये गाबन है? ये 3 महीने की कंफर्म लोड है, 12 तारीख को 3 कंप्लीट हुए, अपने गाजी से भरी हुई है। अच्छा, ये गाजी से लोड है, पूरा कंफर्म लोड है, पेट वगैरह जगह वगैरह पूरा पूरा। ये गाजी का नासी पे भी गुलाबी रिजल्ट आ रहा है, पूरे वाइट बच्चे बना रहा है अब तक के, पूरे रिजल्ट उसके वाइट है, एक बकरी पे नासी बनाया बस। सही है, ये देखते हैं अभी रिजल्ट आएगा तो और मालूम हो जाएगी, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो देंगे भी है। नहीं, ये तो बकरियां अभी नहीं है, बस ये करना है, रिजल्ट के लिए रखेंगे अभी। तो दोस्तों एक और बहुत ही अलग चीज़ है ना, ये प्योर हैदराबादी में आएगी। हाँ, प्योर हैदराबादी में है, लेकिन कलर काफ़ी यूनिक आएगा। हाँ, इसका यूनिक कलर आया हुआ है, बिस्किट एंड वाइट कलर बोल सकते हो आप। हाँ। और वाइट आइस के अंदर है, चेहरा भी अच्छा है। कान कितने होंगे इसके? इसके 16+ है और 6.5+ है। 16 और 6.5 इसके कान आ जाएंगे, और सिर्फ 2 दांत पर, 1 जोड़ पर है। अच्छा, पहली बार बच्चा दे रही है? पहली बार बच्चा दी भी है। ओके, और लास्ट टाइम फुल वाइट में हैदराबादी बच्चा बना है अच्छे कान पर। सही है। और ये अभी गाबन है खाली है? अभी जस्ट ये हफ्ते में भरी हुई है, गाजी से, यूमने से भरी हुई है। अच्छा, यूम से भरी हुई है, पर ये कच्चा पक्का ही मामला तो रहते हैं ना पहले हफ्ते तो में, ये कच्ची का वो लेने वाले की तकदीर। सही है। और आसिम भाई इसको एकदम रिजनेबल रेट में देने वाला हूँ। सही है। ये कितने में देंगे अगर कोई लेना चाहे तो इसको? आसिम भाई इसको 35 बता रहा हूँ, 35,000 में देंगे। अगेन यूम से लोडेड है सब, मतलब बहुत बड़ा बकरा अल्हम्दुलिल्लाह,
इसके अलावा ये खुद एक लाइन से आ रही है भाई, आप बता रहे थे जो रेशम मिल था आपके जी, उसकी बेटी है। तो ये दोनों साइड से अच्छी बकरी है माशाल्लाह। कलर कॉम्बिनेशन देख लें आप, कोई घर में रखना चाहे तो काफ़ी अच्छी बकरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई। 35,000 इज़ द आस्किंग रेट। माशाल्लाह तर गुलाबी बकरी है, कान भी अच्छे खुले हैं माशाल्लाह। क्या डिटेल पे भाई? ये देखो आसिम भाई, दो दांत पर है, दो ही दांत पे माशाल्लाह। सात के करीब ये है और 17 के करीब लंबा है। 17 इसकी लंबा है। 16 पकड़ कर चलो सही, और 7.5 पकड़ कर चलो। बहुत उम्दा, चेहरा भी गुलाबी है, देख सकते हैं। कान खुला पत्ते की तरह कान है, ब्रीड लाइन की है ये, जाफरान ब्रीड लाइन में है, जाफरान के ब्रीड लाइन की है। ये अपने परचेज किया हैदराबाद से, लिया था बच्ची, लिया था 4 महीने की। ओके, अभी ये गाजी जो लोड है 2 महीने की। सही है, ये पहली बार बच्चा देंगे? फर्स्ट टाइम। सही है, तो ये भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो दे देंगे इंशाल्लाह। वाइट आइस के अंदर है, आप पूरा इसका देख सकते हैं। और चेहरा वगैरह आप इसका चेहरा भी अभी बनाएगी इंशाल्लाह, चेहरा भी अभी जैसे लोअर चेहरे पे इंशाल्लाह चेहरा भी करेगी। तो ब्रीडिंग पर्पज़ के हिसाब से अगर कोई लेगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी कितने महीने की लोडेड है? 2 महीने की लोड है, कंफर्म लोडेड है, लेकिन गारंटी नहीं। अच्छा, वो अल्लाह की मर्जी है। सही है, लोड लिया उसके बाद तो हिट पे आई नहीं। सही है, क्रॉस हो गई है। हाँ। लेकिन उसके बाद हिट पे भी नहीं आई, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जो भी है सामने है देख के ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा हमारा भाई ले सकता है। तो आप छोड़ दीजिए बकरी को, देख लो आप, बड़े फ्रेम की है, कम उम्र में ऊंची पूरी, दो दांत पे अभी सिर्फ। ठीक है भाई, तो दोस्तों एक अच्छी बकरी है माशाल्लाह, एक्टिव बकरी है। अजीम भाई बहुत ही नायाब पंच के अंदर है, ये पहले भी देख चुके हैं आपके यहाँ? पहले भी देख चुके हैं, पहले भी इसका वीडियो बन चुका है। ये सिर्फ एक शौक है दोस्तों, ये फॉर सेल नहीं आप बता रहे थे। माशाल्लाह, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये बकरी के बारे में आप। ये देखो अजूबा ब्रीड लाइन में है माशाल्लाह, और अभी एक बार बच्चा डाली है, अभी सेकेंड टाइम लोड है गाजी से, गाजी से लोडेड है। बहुत ही उम्दा पंच में बकरी, उम्दा पंच और एकदम यूनिक चेहरे में, यूनिक फेस में। खालिद भाई आपका क्या कहना है? आइए खालिद, शानदार। और दो दांत पर है, तीसरा दांत तोड़ी है, दो ही दांत जो चल रही मांग। हाँ। पंच की मांग चल रही भाई, डिमांड जो है ना माशाल्लाह, पंच की डिमांड वो हिसाब से बहुत ही बहुत नायाब, मतलब काफ़ी कम या रहती भी है तो वो है ना थोड़ा सा डिसेबिलिटी दिखती है। हाँ जिम भाई, किसी किसी के ऐसा पंच होता है और डिसेबिलिटी दिखती है। इसकी नहीं दिख रही है, नहीं, नहीं, नहीं। ये ऐसा लग रहा है कि डिसेबल नहीं है, ये परफेक्ट पंच बोल सकते हैं। और एकदम यूनिक चेहरा, यूनिक फेस, कान भी वैसे ही है, कान पूरा खुला, जड़ से खुला कान है। कितना कान होएगा जिम भाई इसके? देखो 17.5 के करीब। जबरदस्त, बस अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। और पंच में एक बच्चा अगर इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी अच्छा इस पर आ गया ना वाइट में, अभी गाजी भरा हो इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अच्छे बच्चे आएंगे अल्लाह से उम्मीद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत उम्दा। ये फॉर सेल नहीं है, ऐसे शौक कराए थे दोस्तों। तो ये उसी की बहन है भाई, सगी बहन, मतलब वन एक ही टाइम पे पैदा हुए थे, दो बच्चे हुए थे, तो एक वो है कि है माशाल्लाह दोनों ने पंच बनाए, वो तो है ही एक्सट्रीम पर, ये भी कम नहीं है। हाँ, इसका बच्चा अपना हैदराबाद में गया उसका फर्स्ट। अच्छा, कान का रिजल्ट, अपना वीडियो बना था कान का। जी जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में 17.7+ इसका बच्चा। अभी इस बार गाजी से 3 महीने की 3.5 महीने कन्फर्म लोड है, कन्फर्म लोड है। बहुत उम्दा, ये भी है फॉर सेल? नहीं, नॉट फॉर सेल है ये। और ये बकरी है, मतलब एक टाइम पे कोई सोचा नहीं होगा कि नासी वगैरह बकरियों पे लोग गुलाबी बच्चे निकालेंगे। वो लास्ट टाइम गुलाबी बने। हाँ, ये भी दोनों पट गुलाबी बने जो हैदराबाद में दिया हूँ। इसके कान भी बहुत बड़े हैं, क्या 20-20 के कान है क्या? इसके 18+ है और 8 के करीब चकला। बहुत उम्दा, ये अपने जाफर चाचा से लिया था। तो ये वो अल्लाह रखा की ब्रीड है? नहीं नहीं, वो शायद चाचा दूसरे के पास लेते, बोले डुड्डी ब्रीड लाइन की, उनका डुड्डी ब्रीड लाइन। कान की साइज देखें आप और बकरी का फ्रेम देखें आप, पहली बात तो ये बोलो, जबरदस्त लाइन की है। तो ये है अब फॉर सेल? नहीं नहीं, ये भी सेल की नहीं है। और इसका जो है लास्ट टाइम वो फीमेल जो गाजी से बनाई थी, दोनों फीमेल हैदराबाद के दिया, कल ही गई अंजुमे लेकर। जी, तो अभी ये यूनिट से लोड है, इंशाल्लाह कन्फर्म
दो महीने के करीब से हो गए। सही है, तो इसका भी रिजल्ट लेंगे अभी, इसको सेल को नहीं है अभी, इसके सेल को लेंगे। बहुत उम्दा माशाल्लाह। अजूबा की डायरेक्ट बेटी है दोस्तों, वो आपको अभी दिखा देते हैं। अजूबा की लाइन में आप देखेंगे कि कान की क्वालिटी जो आती है, ये डायरेक्ट अजूबा की बेटी है, देखो कान का थिकनेस देखो, बहुत मोटा है, मतलब बिना हाथ लगाए मैं बता सकता हूँ ये बात। आठ पत्री जैसा कान है। क्या बोलते खालिद भाई, क्वालिटी कैसी है कान की? बहुत अच्छी है। अभी क्या है अजूबा का तुम्हारे में कुछ अफवाहें आ रही है, शायद अजूबा है या नहीं है, चला गया तो डायरेक्ट उसकी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अवेलेबल है। वाह, लाइन तो बड़ी अभी तक तो जो है ना, बहुत जगह है वो लाइन है, बहुत जगह लाइन पहुंचे भी है अजूबा की। अजूबा का नाम ऐसे अजूबा नहीं है, जबरदस्त भाई। आसिम भाई जो भी बच रहा है उसका नाम होता है रिजल्ट के बाद। सही, नॉर्मली कान किसके भी आ जाते हैं, चौड़ाई भी आती है, रिजल्ट का नाम नहीं होता, रिजल्ट जब बनेगा ऐसे बच्चे बनेंगे, कोई जानवर का नाम होगा। लेकिन बहुत प्यारी लेंथ, हर फ्रेम, हर चीज में उम्दा, कलर भी देखो ना इसका चेहरे पे। हाँ बनाएंगे, डालो आप अंदर। आज़िम भाई बता रहे थे माशाल्लाह से, आज़िम काम जैसा था, मैं भी फील करता हूँ ये देखो, फीलिंग जबरदस्त फीलिंग। मैं बोलूं कि आप कैमरे पे नहीं ले पाओगे, आवाज भी आ सकती है जैसा फुट। हाँ, इसको फंके लाइट जाए तो पंखे की तरह यूज कर सकते हैं। एलिफेंट ईयर है इसका। चलो इसको डाल देते हैं अंदर, और दोनों बकरी का एक साथ में आपको, हालांकि दोनों अलग अलग बकरियां हैं, इनके मदर फादर भी अलग होंगे ना भाई, लेकिन अल्लाह ने देखो एक जोड़ी बना दी इनकी। सही है,